नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास एक ये टेबल है और आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, तो हम एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, फिर हम यहाँ लिखेंगे विवेक, फिर हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम यहाँ इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, फिर कोई माउस से दोबारा यहाँ लेकर आएगा, फिर 2 पे क्लिक करेगा, फिर यहाँ पर लिखेगा, फिर ऐसे करके यहाँ जाएगा, फिर लिखेगा इस तरीके से, और ये करते करते आप ऐसे टैप करते करते जाके और इसको लिखते जाएंगे। कुछ लोग दोस्तों इस तरह से करेंगे कि ये 2 को यहाँ पे वो इतना जानते होंगे और ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब ये तो आ गई हैं, लेकिन इनको इनको जो है बार बार उनको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और लिखते लिखते जो है ये इतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा कि आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। अब एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये, हम इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और फॉर्म बन जाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको कर देते हैं डिलीट, और आपको करना क्या है, ये जो देख रहे हैं जितना बड़ा ये डेटा है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जितनी भी डिटेल को आपको फिल करनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अब की प्रेस करनी है मुझे ऑल्ट डी और ओ, ऑल्ट के साथ में डी और ओ, ये मैसेज आ गया है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए ये एक शीट 1 इसका नाम है, ये बनकर आ गया है। अब ये एक फॉर्म बनकर आ गया है दोस्तों, और अब इस पर आपको करना क्या है देखते, आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे और आप जो डेटा यहाँ पर लिखते जाएंगे, देखिए ये मैंने लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ ये देखिए, और जो भी मैं इस पर लिखता जाऊँगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये एंट्री यहाँ आ जाएगी, और ये यहाँ पर जो है इस तरीके से ब्लैंक होता जाएगा, और आप इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी डिटेल को लिखते जाएंगे। आपको जस्ट एंटर करते जाना है, एंटर करने के बाद ये देखिए, अगर आपको ब्लैंक एंटर करना है आप ब्लैंक एंटर कर सकते हैं इस तरीके से, और ये लिखने के बाद जो है आपको ये देखिए इस तरीके से ये मैंने लिख दिया है, और ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगर आप इसको एक दो बार आजमाते हैं, एक दो बार आप इसको चलाकर देखते हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। मैं एक बार फिर आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको इस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये पार्ट्स उतना बड़ा फॉर्म बनेगा जितना आपने यहाँ सेलेक्ट किया है। ऑल्ट के साथ डी और ओ को प्रेस कीजिए, ओके कीजिए, ये फॉर्म आ गया है देखिए। अब आप जो है यहाँ पर बढ़िया अच्छे से लिखना शुरू कर दीजिए, और आप जो भी लिखेंगे वो आपको इस तरीके से एंटर मारने पर इस कॉलम में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं एक और एंट्री कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ये देखिए दोस्तों। तो ये बड़ा ही आसान सा और बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आजमा के देखिए, करके देखिए इसको, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी टेबल बनेगी, आपका समय बचेगा। दोस्तों इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।